बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मिसबा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कीमा भिंडी। कीमा भिंडी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए, चूल्हे पर कढ़ाई रखी है मैंने, हाफ कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। यहाँ पर भिंडी ली है मैंने 250 ग्राम, इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर मैंने इसको ऐसे काट लिया था, तो बहुत ज़्यादा छोटे पीसीस में भी नहीं काटा और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसकी जो लेस है वो ख़त्म करनी है, बेसिकली इसकी लेस ख़त्म करनी है, तो लेस ख़त्म हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो भिंडी यहाँ पर हमने निकाल ली है, अब मैं इसको साइड पर रख देती हूँ और फ्लेम को फिर से मीडियम करते हैं। हाफ कप के करीब इसके अंदर, इसी तेल के अंदर मैं और तेल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और इसको ऐसे मोटा मोटा सा कूट लिया था, ज़्यादा इसको बारीक नहीं पीसा, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन। अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमा यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया था, चिकन का कीमा है ये, इसको अच्छे से इसको भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे इसका कलर चेंज होने तक। कीमा हमारा भून चुका है अच्छे से, अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर मसाले भून चुके हैं, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, और प्याज यहाँ पर ली थी मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको रफली चॉप कर लिया है, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर टमाटर लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको भी ऐसे मैंने चॉप कर लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम कवर करके पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर। यहाँ पर कवर किए हुए हमें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर उठाते हैं और चिकन हमारी गल चुकी है, कीमा जो था इसको अच्छे से थोड़ा सा इसको ऐसे करके भून लेते हैं। ये भी ड्राई है जो कीमे का और प्याज का जो पानी था टमाटरों का। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं हमें भूनते हुए, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो मैंने भिंडी हाफ कुक की थी, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि हाफ कुक की थी हमने भिंडी, तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं मीडियम टू लो आंच पर। सॉरी व्यूअर्स, इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड करना भूल गई थी, तो 3 से 4 यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं मैंने, उनको ऐसे लंबाई में काट लिया है, वो भी इसी स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो नमक वगैरह भी आप इस स्टेज पर चेक कर सकते हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं। फिर इसके यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं कवर किए हुए, अब हम कवर उठाते हैं इसका और माशाल्लाह हमारी भिंडी बनकर तैयार है। इतनी खुशबू आ रही है इसमें से, फ्रेश हरा धनिया इसके अंदर ऐड करते हैं थोड़ा सा। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी भिंडी बनकर तैयार है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर
हम अब इसको निकाल लेते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी कीमा भिंडी बनकर तैयार है। लुक तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।